आस्था और प्रेम का संदेश देने के लिए, धर्म के लिए कटिबद्ध करने के लिए संत समाज ने संतों के संगठन का आगाज मध्य प्रदेश के गोपीनाथ मठ में किया। संत समाज ने धर्म के प्रति जागरूकता लाने के साथ समाज सुधारने का भी संकल्प लिया। संगठन के अध्यक्ष के रूप में अयोध्या दास जी महाराज कनक बिहारी आश्रम कोटेश्वर को नियुक्त किया गया। कई संत इस अवसर पर एकाग्रित हुए। श्री नर्मदा कोटेश्वर व्यक्त मंडल का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि समाज में जागृति हो और जो हमारी जो धार्मिक परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, हम उसकी रक्षा कर सके, उसका संरक्षण कर सके, इसलिए संत समाज एकत्रित हुआ है और आम जन को भी जागृत करे। संत समाज तो जागृत हो ही, अपने जो स्थानधारी है, जो मठधारी, जो जिस अखाड़े से जुड़े हुए, उनकी परंपरा का निर्वहन करे और साथ में समाज को भी धर्म को लेकर जागृत करे, इस उद्देश्य को लेकर इस मंडल का गठन किया गया है, जिसमें आसपास क्षेत्र के जितने भी स्थान हैं सारे संतों को महंतों को इस मंडल में जोड़ा जा रहा है और खासकर आम जन का भी सहयोग इस मंडल को प्राप्त होता रहे, ताकि जो 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 महात्मा जो जिसके पास सुविधा नहीं है, इस मंडल के द्वारा उनको और भी सुविधा प्रदान की जाए, इस मंडल का एक उद्देश्य यह भी रहेगा। आशुतोष सेन की रिपोर्ट।